सीएम योगी के हमशक्ल की हुई मौत। विधानसभा चुनाव में सपा के थे प्रचारक। पड़ोसियों की मारपीट में आई थी गंभीर चोट। अखिलेश यादव के थे बेहद करीबी। यूपी के उन्नाव जिले में सुरेश नाई उर्फ सुरेश योद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उन्होंने 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने लुक को लेकर सुर्खियों में आए थे। सियासी गलियारों में उन्हें सीएम योगी का हमशक्ल कहा जाता था। विधानसभा चुनाव में सपा ने उन्हें प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी भी दी थी। अखिलेश यादव उनको कई जनसभाओं में लेकर गए थे। मंच से उन्होंने सुरेश की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सपा में शामिल हो गए हैं। सुरेश योद्धा जिले के सोहरामऊ के चौपई गांव के रहने वाले थे। 27 जुलाई को पड़ोसियों ने उनसे मारपीट की थी। इसके बाद से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर सपा मुखिया ने ट्वीट कर कहा कि सपा के प्रचारक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सुरेश ठाकुर की पीट पीट कर हत्या की घटना अत्यंत हृदय विदारक है। सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें। भावभीनी श्रद्धांजलि। बता दें कि सुरेश नाई, जिनकी उम्र 45 साल थी, ग्राम चौपाई थाना सोहरामऊ के रहने वाले थे। वो दो भाई थे। कोरोना संक्रमण से उनके छोटे भाई की मौत हो गई थी। बौद्ध धर्म को मानने वाले सुरेश 20 साल से लखनऊ में रह रहे थे। उनकी पत्नी सरिता वर्मा उद्योग निदेशालय में आधिकारिक पद पर तैनात थी। उनका 5 साल का बेटा सम्राट है। उनकी पत्नी ने बताया कि 27 जुलाई को गांव के रमन सिंह और उमेश सिंह ने उनके साथ मारपीट की थी। इससे उनकी मौत हो गई। मारपीट के इस मामले में सुरेश ने प्रेम पुत्र बुधई से तहरीर दिलवाई थी। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की थी। गुरुवार को सुरेश की अचानक मौत ने इस मामले को गर्म कर दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, तो वहीं परिवारजनों का आरोप है कि रमन और उमेश की मारपीट से उसकी मौत हुई है। सुरेश को 5 साल पहले नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद से उन्होंने सपा मुखिया के साथ चुनावी मंचों पर भगवा वस्त्रों में रंगमंच दिखाया था।